नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे। तो आज मैं रेशमी विद्याल फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो उसे देखिए और उसका आनंद लीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताएं। नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त ढाबा स्टाइल लस्सी की रेसिपी बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। अगर आप एक बार इसे घर पर बनाएंगे तो बाजार का आप जो महंगा महंगा लस्सी खरीदते हैं भूल जाएंगे खरीदना, क्योंकि जस्ट 2 मिनट में आप इस सुपर डिलीशियस लस्सी को इजीली बनाकर तैयार कर लेंगे। तो है ना आसान। तो बस जो कुछ भी मैं छोटे मोटे से टिप्स दूंगी उसे वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें, आप भी इस प्यारी सी रेसिपी को इजीली तब समझ पाएंगे। तो इस रेसिपी को घर पर बनाकर मुझे अपने फीडबैक जरूर दें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले मिक्सी के जार में 1.5 कप दही डालें। ये घर का बनाया गया थिक दही है। दही बनाने का भी परफेक्ट प्रोसेस को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। अगर आप परफेक्ट दही बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं। और अब इसमें आइस क्यूब्स डालें। मैंने 2 आइस क्यूब्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फिर इसमें 4 टीस्पून शक्कर डालें। वैसे शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आप ढक्कन को बंद कर इसे अच्छे तरीके से चलाएं। दही, चीनी और आइस क्यूब्स अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब इसमें दूध डालें। अब आप सोच रहे हैं कि लस्सी में दूध नहीं डाला जाता है, तो यहाँ पर एक टिप्स है फ्रेंड्स। वैसे आप कोशिश कीजिए कि लस्सी बनाने के लिए फ्रेश दही का यूज़ करें। अगर फ्रेश दही का यूज़ कर रहे हैं तो वो खट्टा नहीं होता, तो उससे आप फुल दही से लस्सी बना सकते हैं। उसमें दूध डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें खट्टापन है ही नहीं। लेकिन मेरी दही 1 दिन का पुराना है, इसलिए थोड़ा सा खट्टापन आ गया है। लस्सी बनाने के लिए बहुत पुराना दही का यूज भी मत कीजिए, नहीं तो उससे भी लस्सी बिल्कुल खट्टी खट्टी टेस्टलेस लगेगी। अगर पुराना है तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। मेरा दही केवल 1 दिन का पुराना है, इसलिए हल्का सा खट्टापन है। इसलिए मैं इसमें 1 गिलास के लगभग दूध डाल दे रही हूँ, जाके बैलेंस हो जाए, मतलब खट्टापन न रहे। तो अब इसे मिक्सी में अगेन ग्राइंड करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुका है लस्सी। अब इसे 1 सर्विंग ग्लास में सर्व कर ले रही हूँ मैं, और फिर इसमें 1-1 करके आइस क्यूब्स डाल दे रही हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा कुटे हुए इलायची स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, और साथ ही थोड़े से बादाम के कतरन से गार्निश कर दे रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने समर स्पेशल धमाकेदार ढाबा स्टाइल लस्सी सर्व होके रेडी हो चुकी है। तो है ना बहुत आसान। तो इस लस्सी को घर पर बनाएं, मैं 100% दावे के साथ बोल रही हूँ, आप बाजार का भूल जाएंगे। लस्सी को बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय करें। घर पर आए मेहमानों को फटाफट से जस्ट 2 मिनट में तैयार कर सर्व करें।
मेहमान भी हैरान रह जाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।